नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया 5 अप्रैल, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप में बजा है डंका। जी हां, आपको बताएंगे कैसे नॉर्डिक देशों ने भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट देने की वकालत कर डाली है। नॉर्डिक देशों में 5 देश आते हैं, वो हम आपको बताएंगे। पीएम मोदी ने क्या घुट्टी पिलाई है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फ्रांस के राष्ट्रपति से भी पीएम मोदी ने की मुलाकात। हालांकि अभी बातचीत और जो डील है फ्रांस को लेकर, अभी वो फिलहाल नहीं हो पाई है, वो हम आपको बताएंगे आज शाम को। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पर डेनमार्क के बिजनेस लीडर ने भारत और पीएम मोदी को बताया विश्व गुरु। कहा, भारत पूरी दुनिया के सुधार का एक नया अवसर, भारत में चल रहे आर्थिक सुधार पैदा कर नए अवसर को प्राप्त किया जा सकता है। इस बीच सेना का बड़ा एक्शन, गुजरात के भुज में सीमा पर पाकिस्तानी बोट मिलने से हड़कंप, बीएसएफ ने सीज किया, जांच शुरू। अगली अपडेट बताएंगे, जहां नाराज पुतिन ने जापान के खिलाफ की कार्रवाई, पीएम की सीधा समेत 43 हस्तियों के रूस में प्रवेश पर लगाई पूरी तरीके से रोक, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां फ्रांस की कंपनी ने दिखाया आत्मनिर्भर भारत पे भरोसा। समुद्री रक्षा क्षेत्र में भारतीय नौसेना के साथ संबंधों पे जताई प्रतिबद्धता, तो वे एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल यात्रा से पहले नेपाल में दिया अपना नया राजदूत, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच यूक्रेन को $400 मिलियन की सैन्य मदद देगा ब्रिटेन। लगातार ब्रिटेन पूरी दुनिया को जारी रखेगा, खास करके यूक्रेन को मदद करता रहेगा, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन इससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को देख सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और इस देश की इंडियन आर्मी और पीएम मोदी की कूटनीति पर अगर आपको विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, इंडिया नॉर्डिक समिट के दूसरे दिन भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा बने प्रधानमंत्री मोदी। नॉर्डिक कंट्रीज ने भारत को एक साथ एक सुर में यूएनएससी में बड़े बदलाव की मांग की। कहा, भारत जैसे ताकतवर देश को भी स्थायी सीटें मिलनी चाहिए, इस पर भी विचार विमर्श हुआ है, यूएनएससी में सुधार पर विचार हुआ है। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं अपनी कूटनीति का लोहा मनवा कर ही आते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े देश प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पूरी तरीके से वहां के प्रधानमंत्री यानी राष्ट्राध्यक्ष तक भी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। नॉर्डिक समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले तो नॉर्डिक क्या है ये समझ लीजिए। दरअसल आपको बता दें, नॉर्डिक पांच देशों का एक समूह है। अब इनमें देश की बात करें तो डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये 5 देशों का एक समूह है, जिसमें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे दिन इसमें बैठक किए थे। इसमें जो बातचीत हुई उसमें उभरती प्रौद्योगिकी, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, अंटार्कटिका अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक क्षेत्रों के साथ बहुआयामी मुद्दों पर बातचीत हुई है। इसके साथ ही कई बड़े पैमाने पर बदलाव पर भी बातचीत हुई है, मसलन यूएनएससी में बदलाव पर भी चर्चा हुई है। यूएनएससी की खास करके बात हुई है कि अब यूएनएससी के जो पैराग्राफ हैं, पैरामीटर्स, वो बदले जाएं। यूएनएससी में सीटें और बढ़नी चाहिए, स्थायी सीटें बढ़नी चाहिए, और देशों को शामिल किया जाना चाहिए। यूएनएससी जो पुराना हो चुका है, यूएनएससी प्रधानमंत्री मोदी पहले भी यूएन में जाकर ये कह चुके हैं कि अब बड़े बदलाव की फिर से ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों दुनिया में शांति लाने वाले देश में रशिया भी है, लेकिन स्थायी सीट में, लेकिन रशिया का आज एक्टिविटी ये पूरी दुनिया के सामने है। चाइना भी इसी यूएनएससी का हिस्सा है, लेकिन चाइना भी दूसरे देश पर कब्जा करने की फिराक में है। तो अब ऐसे ही देश वीटो पावर जो लिए हुए हैं वही दूसरे देश पर हमला करेंगे, तो फिर यूएन की जो प्रासंगिकता है वो खत्म हो जा रही है। यही कारण है कि भारत की एंट्री कराने के लिए नॉर्डिक देशों ने एक सुर में भारत को ताकतवर मुल्क बताया और कहा है कि भारत जैसे शांतिप्रिय क्षेत्र को, शांतिप्रिय देश को यूएनएससी में बड़े बदलाव के तहत लेना चाहिए। आपको बता दें, तमाम मुद्दों पर नॉर्डिक देशों के साथ पीएम मोदी ने चर्चा की और पीएम मोदी की तस्वीर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। हालांकि कल जो है वो पीएम मोदी का नॉर्डिक दौरा खत्म हुआ और फ्रांस प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट, बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन से सटे सीमाई इलाकों में हिंदी जानने वालों की भर्ती कर रहा चीन की सेना। बड़ी खबर, ड्रैगन की खतरनाक मंशा, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऐसे ग्रेजुएट्स युवाओं की भर्ती इन दिनों कर रहा है जो हिंदी जानते हों। माना जा रहा है कि भारत के संबंध में इंटेलिजेंस जुटाने और वास्तविक सीमा रेखा के आसपास के बारे में सूचनाएं हासिल करने के लिए चीन को सेना ऐसे ही कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्टर्न थिएटर कमांड
कमांड के तहत आने वाले तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ने इस साल जून में इस भर्ती की शुरुआत की थी। चीनी सेना की वेस्टर्न थिएटर कमांड भारत में लगती सीमा की सुरक्षा का काम देखती हैं। तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट LIC के निचले हिस्से पर सुरक्षा का काम देखती हैं, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तराखंड से लगती हैं। इसके अलावा लद्दाख की निगरानी वाली सिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की भी इसी कमांड के तहत आता है। तो दोस्तों आपको बता दें, चाइना लगातार भारत के खिलाफ साजिश पे साजिश, यानी दुश्मन को कैसे कमजोर किया जाए वो चीन से सीखना चाहिए। लेकिन अब भारत कूटनीति का जवाब कूटनीति से ही दे रहा है और चाइना को भी पूरी तरीके से करारा जवाब भारत भी दे रहा है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, फ्रांस की कंपनी ने दिखाया आत्मनिर्भर भारत पर भरोसा, समुद्री रक्षा क्षेत्र में भारतीय नौसेना के संबंध पर जताई प्रतिबद्धता। यानी आत्मनिर्भर भारत का जो डंका है वो फ्रांस जैसे रक्षा क्षेत्र में साझेदार दोस्त भी अब जानने लगे हैं कि भारत भी अब आत्मनिर्भर के तहत रक्षा क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहा है। दरअसल भारत अपने सैन्य क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत और विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए देश में बने विभिन्न रक्षा उत्पादों के इस्तेमाल और रक्षा खरीद को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसी बीच फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप ने मंगलवार को समुद्री रक्षा क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत की योजनाओं के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्धता जताई है और उसने समान द्विपक्षीय विश्वास और रणनीतिक संबंधों को भी साझा किया है। फ्रांस की कंपनी ने इस संबंधों में ट्वीट भी किया और उनमें कहा गया है कि हम अपनी मौजूदा प्रतिबद्धताओं और उद्योग व भारतीय नौसेना के साथ गहरे संबंधों का मजबूत करना जारी रखते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, फ्रांस इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहा है कि भारत वो ताकत है जो रुकने वाली नहीं है और ना किसी के सामने झुकने वाली है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। गुजरात के भुज में सीमा पर पाकिस्तानी बोट मिलने से हड़कंप, BSF ने किया सीट जाँच शुरू। भारतीय सीमा सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, उसने गुजरात के भुज में भारतीय क्षेत्र के अंदर घुसे पाकिस्तानी जहाज को सीज कर दिया है। गुजरात BSF ने कहा है कि पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है और अब कोई संदिग्ध चीज़ें नहीं मिली हैं, लेकिन पाकिस्तानी नाव को सीज कर लिया गया है। ये पारंपरिक नाव है जिसमें मछली पकड़ने का काम होता है। अब नाव बिना इंजन वाली है। BSF का कहना है कि पाकिस्तानी नाव को भारतीय सीमा के करीब 100 मीटर अंदर देखा गया है, जिसके बाद से इसे जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें, NIA की खबर के मुताबिक BSF भुज की टीम अरब सागर के पास पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी VP नंबर 1158 हरामी नाला इलाके में कुछ संदिग्ध चीज़ों के होने का अंदेशा देखा गया था। तो दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरी तरीके से सीज कर जांच शुरू कर दी है। एक और अपडेट, नाराज पुतिन की जापान के खिलाफ कार्रवाई, PM किसी दर समय 43 संस्थियों के रूस में प्रवेश पर लगाई रोक। रूस ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किसिदा समेत 63 जापानी अधिकारियों के अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। मॉस्को ने कहा है कि यूक्रेन पर हमले को लेकर जापान के प्रधानमंत्री पर पूरी तरीके से बैन लगेगा। जापान ने भी अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए थे, इसके जवाब में यह कदम उठाया गया है। न्यूज एजेंसी FP के अनुसार रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि जापानीज PM किसिदा के प्रशासन ने एक रूसी विरोधी अभियान शुरू किया जिसमें रूस के खिलाफ गलत बयानबाजी की गई, पूरी तरीके से अस्वीकार है और इसमें अपमान और सीधी धमकियां भी शामिल है। रूस ने जापान के PM कैबिनेट सदस्य, सांसदों, पत्रकारों और प्रोफेसर समेत 63 जापानी नागरिकों पर अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, दौरे के अंत फ्रांस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, मैक्रों से करेंगे मुलाकात। दरअसल आपको बता दें, आज फ्रांस पहुंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैक्रों से मुलाकात किए हैं। ये अंतिम पड़ाव है जहां पर उनकी मुलाकात दूसरी बार चुनाव जीते राष्ट्रपति मैक्रों से होगी। आपको बता दें, इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। राफेल मरीन की डील को लेकर कोई समझौता भी संभव दिख रहा है। भारत, आपको बता दें, इस मुकाबले से पहले मुलाकात से पहले बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने फिनलैंड की PM मरीन सना से भी मुलाकात की थी। PM मोदी की खास तोहफे की बात चल रही है। आपको बता दें, अंतिम पड़ाव फ्रांस और मैक्रों से मुलाकात के बीच आज कई रक्षा डील जो है वो भी संभव है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। डेनमार्क के बिजनेस लीडर ने भारत को बताया विश्वगुरु, प्रधानमंत्री मोदी को बताया दुनिया का ताकतवर देश भारत को। भारत में चल रहे आर्थिक सुधार भी नए दुनिया को अवसर दिखाएंगे। भारत डेनमार्क व्यापार मंच मंगलवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके डेनिश समकक्ष मेटे फेडरिकसन की उपस्थिति में भारत और डेनमार्क के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ आयोजित किया गया। आपको बता दें कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने भर भर कर पीएम
मोदी का न केवल स्वागत किया बल्कि डेनमार्क के लोगों ने, डेनमार्क की जनता, डेनमार्क के राष्ट्राध्यक्ष और डेनमार्क के व्यापारियों ने भारत का लोहा माना। उन्होंने कहा है कि भारत ही असल में विश्व गुरु है और भारत ही दुनिया को असल ताकत दिखा सकता है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, रूस, उत्तर कोरिया, चीन के बाद अब अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर मची हो, नासा भी काम में जुट गया है। दरअसल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहां पर लगातार हो रही इस हरकत के बाद अब हर देश अपने आप को सुपर पावर बनाने में लग चुका है। यही कारण है कि अब सुपर पावर की होड़ में हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर नई होड़ मच गई है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने का काम कर रही है, जिनमें मिसाइल हमले के समय अधिक तबाही मचाई जा सके, साथ ही उन्हें लॉन्च करने में भी कम से कम वक्त लगे। दरअसल तकनीकी के जरिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपोनेंट के परिणाम का इस्तेमाल कर सकता है, जिस मिसाइल के डिजाइन के आसपास काम करना आसान हो जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल इसी वजह से लंबी दूरी तक मार कर रहा है, सबसे कम समय में दुश्मन का खात्मा कर देती है। अमेरिका ने हाल ही में DARPA-HAWC का टेस्ट किया है, हाइपरसोनिक एयर ब्रीफिंग वीपन कॉन्सेप्ट। तो लगातार दोस्तों, रूस हो, उत्तर कोरिया हो, चीन हो, अमेरिका हाइपरसोनिक की होड़ मची है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है, जहां रूस के सरकारी चैनल पर ब्रिटेन को डुबोकर बिठाने की मांग, आयरलैंड भी निशाने पर धमकी के लिए पुतिन को बताया जिम्मेदार। यूक्रेन में जारी जंग के बीच हाल ही में रूस के सरकारी चैनल ने पुतिन यानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ब्रिटेन का नामो निशान मिटाने की बात कही गई है। उन्हें समुद्र में डुबोने को कहा गया है ताकि वो नक्शे से मिट जाए। इसी प्रक्रिया में आयरलैंड को भी खत्म करने की बात कही गई है। इस पर अब आयरलैंड के नेताओं ने रूस के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। दरअसल पुतिन के मुखपत्र माने जाने वाले रूसी पत्रकार दमित्री किसेलो ने रविवार को रात अपने ISO में पोसीडन अंडर वाटर ड्रोन से ब्रिटेन पर हमला करने के लिए कहा था। पत्रकार ने कहा था कि इनमें 16,000 फीट की रेडियोधर्मी लहर उठेगी और ब्रिटेन समुद्र की गहराई में पूरी तरीके से डूब जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से लगातार इनडायरेक्टली धमकी रशिया को दी जा रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें PM मोदी की यात्रा से पहले भारत ने तय किया नेपाल के में अपना नया राजदूत नवीन श्रीवास्तव को मिली जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2022 के अपने पहले विदेश दौरे के अपने अंतिम पड़ाव पे हैं। आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में पहुंच चुके हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर चुके हैं। इस बीच सूत्र के अनुसार भारत ने इसी मई महीने के मध्य में प्रधानमंत्री मोदी को की यात्रा से पहले औपचारिक रूप से नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में अपना नया राजदूत प्रस्तावित किया है। नवीन श्रीवास्तव जो अभी विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया डिवीजन के प्रमुख हैं और 2 साल पहले शुरू हुई एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर सैन्य गतिविधि से निपटने के लिए चीन के साथ राजनयिक और सैन्य वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और अब वो विनय क्वात्रा की जगह लेंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट, यूक्रेन को $400 मिलियन की सैन्य मदद देगा ब्रिटेन। बोरिस जॉनसन बोले, यूक्रेन की आर्मी ने पुतिन के घमंड को कर दिया चकनाचूर। दरअसल यूक्रेन की संसद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़ा बयान दिया। जॉनसन ने कहा है कि रूसी हमले का जवाब देने में पश्चिमी देशों ने देरी कर दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के हालात समझने में हमने देर कर दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ मिलकर प्रतिबंध लगाने में हम फेल हैं। यूक्रेन के लिए और ज़्यादा सैन्य मदद की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन यानी यूके यूक्रेन को करीब $400 मिलियन की सैन्य मदद देगा और आने वाले समय में ये मदद जारी भी रहेगी। तो लगातार ब्रिटेन यूक्रेन की मदद कर रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, रूस, यूक्रेन और इंडोनेशिया की वजह से सरसों किसानों की बल्ले बल्ले, MSP से 3,000 ऊपर पहुँचा भाव। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेलों की उपलब्धता और दाम को लेकर मची उथल पुथल के बीच सरसों भी इतरा रही है। लगभग सभी सरसों उत्पादक सूबे में इसका दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से ऊपर है, जबकि अभी सरसों उत्पादन का सीजन पीक पर है। पश्चिम बंगाल की एक मंडी में सरसों का दाम MSP से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की अधिक कीमत पर पहुंच गया है। खाद्य तेल इंडस्ट्री की जानकारों का मानना है कि इस बार सरसों का दाम मामले में अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाएगा और इसका रेट MSP की डबल भी हो सकता है, क्योंकि इसको पता है कि भारत में
खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति में करीब 55% का अंतर है। एक आने के MSP से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक कीमत पर ये बिक रहा है, तो बल्ले बल्ले है किसानों की। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर। भारत में खाने पीने की चीज अभी और बढ़ेगी महंगाई, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का नया बयान। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को अहम ऐलान कर दिए हैं। एक अहम बैठक में इसके लिए फैसले की जानकारी देते हुए दास ने कहा है कि फिलहाल खाने पीने की चीज़ों के दामों में कमी आने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा है कि देश में खाने पीने की चीज़ों की बढ़ती कीमतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, यानी महंगाई बढ़ेगी। आपको बता दें, रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। रेपो रेट में बढ़ोतरी होने की वजह से ये महंगाई जो है देश भर में आ सकती है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई, जहां यूक्रेन के मारियोपोल थिएटर पर रूसी हमले को लेकर बड़ा दावा, 600 लोगों के मारे जाने के मिले सबूत। यूक्रेन पर रूस के हमले अभी भी लगातार जारी हैं। रूसी सेना की ओर से यूक्रेन के कई शहरों को लगातार निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक जोरदार हमला यूक्रेन के मारियोपोल शहर के एक थिएटर पर 16 मार्च को किया गया था। इस थिएटर में बड़ी संख्या में लोग रूसी हमलों से बचने के लिए शरण लिए हुए हैं। आपको बता दें, अभी इस हमले को लेकर नया दावा किया जा रहा है। समाचार एजेंसी AP ने कहा है कि इस हमले में 600 लोगों के मारे जाने के भी सबूत हैं। ये एक बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जहां पे लगातार हमले पे हमला जारी है और हमले पे हमले के बीच ये खबर आई है जहां पे ये एक्टिव है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें, योगी 2.0 दिखने लगे हैं सीएम योगी, भविष्य की राजनीति के योद्धा। दरअसल आपको बता दें, संस्कृत एक सूत्र है, योगक्षेम का अर्थ कई प्रकार से देखा गढ़ा जाता है। ये मूल भाव है, कुछ हासिल करना है और जो हासिल है उसे संभालना है, उसकी रक्षा करना है, योगक्षेम का वो सूत्र। उत्तर प्रदेश के राजनीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्तमान अवतार को अभिव्यक्त करता नजर रहा है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौटी तो सूबे की नेतृत्व का दायित्व फिर से योगी आदित्यनाथ के हाथों में सौंपा गया। इसकी वजह से ये भी रहा कि योगी इस बड़े बड़े कद का कोई और चेहरा भाजपा के पास सूबे में था नहीं। दूसरा, जीत का सेहरा केवल प्रधानमंत्री मोदी के सिर नहीं बंधा है, इसमें योगी आदित्यनाथ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जानकार मानते हैं कि दोबारा सरकारें ना दोहराने वाले सूबे में 3.5 दशकों के बाद अगर कोई सरकार सत्ता में लौटी है तो उसके पीछे एक मजबूत छवि भी बड़ा कारण है। भाजपा को यूपी में दोहरा लाभ हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी और सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ उनके लिए एक बड़ा रहा है, लेकिन सीएम योगी का नाम भी एक पावरफुल नाम रहा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब आने वाले भविष्य की राजनीति में BJP और देश के लिए एक बड़ा नेता के तौर पर उभरेंगे। एक और अपडेट लेते हैं, बाल ठाकरे ने ट्वीट करके कहा, राज ठाकरे ने बाल ठाकरे का वीडियो ट्वीट किया, कहा इन्होंने अगर इनकी सरकार होती ये जो फैसला किए थे कि ना तो सड़कों पे नमाज पढ़ने देंगे और ना मस्जिदों में लाउडस्पीकर। राज ठाकरे ने कल, राज ठाकरे के कार्यकर्ता MNS के, वो लगातार जगह जगह हनुमान चालीसा पढ़ते दिखे, जहाँ पे मस्जिद था, जहाँ पे अजान हो रहा था लाउडस्पीकर से, वहाँ पे जो है वो उनके कार्यकर्ता जो है नेता वो हनुमान चालीसा पढ़ते दिखाई दिए। हालांकि 300 से ज़्यादा नेताओं के गिरफ्तारी भी हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है, जहाँ पूर्व सैनिकों की पेंशन रुकने की शिकायत पर एक्शन में रक्षा मंत्रालय, कहा जारी की जा रही रकम। दरअसल भारतीय सेना से सेवानिवृत्त अधिकारियों और जवानों को पेंशन मिलने में आई समस्याओं को रक्षा मंत्रालय ने समाधान किया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अप्रैल 2022 के महीने की पेंशन अब संशोधित कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि जिन पूर्व सैनिकों और अधिकारियों के जीवित प्रमाण पत्र वेरीफाई नहीं हुए उनको SMS और ईमेल्स के माध्यम से इस बारे में सूचित किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। फिलहाल दोस्तों विग ब्रेकिंग में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब।